हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं न्यूज़ इवेंट्स के बारे में। अगस्त मंथ के कौन कौन से मेजर न्यूज़ इवेंट्स हैं जिनको मैं कवर करने वाला हूं, जिनके ऊपर मैं ट्रेड लेने वाला हूं, और सारी डिटेल्स उनके रिगार्डिंग, कैसे आपको ट्रेड मिलेगी, और इस बार जो ट्रेड होगी एक नए पैटर्न के थ्रू होगी। जो आपको यूजुअली मैसेज आता है न्यूज़ इवेंट्स के टाइम पे, वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, ऐसा मुझे फीडबैक आया है। तो उसी के ऊपर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ पैटर्न, ताकि पता चले कि आपको कैसे ट्रेड लेनी है, फिर कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। ऑलरेडी न्यूज़ इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं अगस्त के 1st ऑफ अगस्त से ही, बट यहाँ पर ये वीडियो आपको 1 से 2 दिन लेट आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका 2 न्यूज़ आपकी जा चुकी हैं, 1st ऑफ अगस्त एंड 2nd ऑफ अगस्त, मतलब आज की जो न्यूज़ थी वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी शेयर कर दी गई है सिम ग्रुप्स के ऊपर। और इसके बाद से जो सारी न्यूज़ हैं उनकी आपको वीडियो में डिटेल देने वाला हूँ। एंड कुछ जो फीडबैक्स मुझे आए हैं लास्ट मंथ के न्यूज़ इवेंट से, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ इवेंट पर कम ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मेरा उन सबसे सिर्फ यही कहना है, लास्ट मंथ हमारा जो रिजल्ट था, अगर हम बात करते हैं कि हमारे फेवर में डायरेक्शन में गया हो मार्केट, तो वो आप 40-60 एज ए रेशियो ले सकते हो, या फिर अराउंड उसके आसपास ही था कि 40% हमारे फेवर में, 60% हमारे फेवर में नहीं थी, और उसमें से कुछ के रिवर्सल मिले थे और 1-2 न्यूज़ के रिवर्सल उतने अच्छे नहीं मिले थे। तो ये लास्ट मंथ का सिनेरियो था। अगर उससे पिछले मंथ की आप सिनेरियो की बात करते हो, तो ऑलमोस्ट 90-10 का रेशियो था, 90% हमारे फेवर में थी, 10% हमारे फेवर में नहीं थी और उनका रिवर्सल मिला था, इस तरीके से कुछ सिनेरियो था। तो ये आपको थोड़ा बहुत इस तरीके से कभी ना कभी मिल सकता है, हमेशा हम जो प्रेडिक्ट करेंगे वो आपको देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। आपको अगर अपना एनालिसिस भी ठीक लग रहा है आप वो भी यूज कर सकते हो, अगर आपको मेरा एनालिसिस ठीक लगता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, साइमल्टेनियसली आपका अगर दोनों एनालिसिस मैच करते हैं तब आप उस ट्रेड के साथ जा सकते हो। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर हम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, न्यूज़ इवेंट्स कैसे दिखते हैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई हुई हैं, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो चैनल के ऊपर, आपको काफ़ी न्यूज़ इवेंट्स की वीडियो मिलेगी, NFP की वीडियो मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से न्यूज़ इवेंट का इंपैक्ट पड़ता है। साइड बाय साइड आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती हुई दिखेंगी। विद इन 1 मिनट एक मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, कोई भी न्यूज़ जो रहती है उसका डेटा रिलीज होता है, अब वो जितना स्ट्रांग होता है उसके बेसिस के ऊपर मार्केट पे इंपैक्ट डालता है, और 1 मिनट के अंदर आपको बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़। इसी तरीके से हम रिवर्सल पर भी ट्रेड करते हैं और न्यूज़ इंपैक्ट पर भी ट्रेड करते हैं। कुछ टाइम पहले तक अगर हम बात करता हूँ, रिवर्सल बहुत सेफ कंसिडर किया जाता था, बट अभी यहाँ पर रिवर्सल पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है, बिकॉज उतना अच्छा रिवर्सल न्यूज़ का नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा ट्रस्टेबल आप इंपैक्ट के साथ जा सकते हो, बिकॉज आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हो, इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि न्यूज़ कौन कौन सी इस बार होने वाली है। सो फर्स्ट और सेकंड न्यूज़ आपको मिल चुकी है कल सिंगल ग्रुप के ऊपर, 1st और 2nd अगस्त की। तो स्टार्ट करते हैं 3rd ऑफ अगस्त से। फर्स्ट न्यूज़ 3rd ऑफ अगस्त 4:30 PM BOE बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट डिसीजन की न्यूज़ है। 4:30 बजे शाम को 3 अगस्त को GBP पेयर्स के ऊपर इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा और इस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी ग्रुप पे ही न्यूज़ के दिन। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़, सेम डे आपको मिलने वाली है 3rd ऑफ अगस्त को ही 7:30 PM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ है, USD की न्यूज़ है, 7:30 बजे शाम को सेम डे 3rd ऑफ अगस्त को ही, और USD पेयर्स पर इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मेजर करेंसी विल बी Euro USD, और बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी सेम डे ग्रुप पर ही। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर 4th ऑफ अगस्त को NFP नॉन फर्म पेरोल, बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द मंथ NFP रहती है, बिकॉज US का एक डेटा रिलीज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है मार्केट में। तो 4th ऑफ अगस्त को 6 बजे शाम को NFP की न्यूज़ है, USD पेयर्स पर इसका इंपैक्ट दिखेगा, Euro USD विल बी प्रेफरेबल एसेट। बाकी डिटेल्स के लिए आप ज्वाइन कीजिए सिग्नल ग्रुप्स, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोग ज्वाइन नहीं है वो सिंगल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट न्यूज़ इवेंट्स का मिलता है। कभी कभी जितना आप नॉर्मल ट्रेडिंग जैसे दिन में आप करते हो उससे जितना अर्न करते हो, उससे कहीं ज़्यादा आप न्यूज़ इवेंट्स के थ्रू कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिंगल ग्रुप्स के ऊपर मिलती है, जाओ ज्वाइन करो, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बायनमो, ऑलिम ट्रेड एंड कोटेक्स, तीनों जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए मैं सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करता हूं। सारी जो डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, जहां पर आपको मुझे मैसेज करना है, क्वेरी करनी है, या फिर आपको जो प्रोसेस चाहिए वो आपको वहीं मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई भी अदर सोर्सेज नहीं है जहां पर मैं आपसे बात करता हूं, तो बिल्कुल भी आपको किसी फ्रॉड में नहीं फंसना है। सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी,
कोई चार्जेस नहीं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। 10th ऑफ ऑगस्ट सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6 PM यूरो यूएसडी विल बी प्रेफरेबल एसेट। यूएसडी के सारे पेयर्स पर आप ट्रेड ले सकते हो बेसिकली 6 बजे शाम को 10th ऑफ ऑगस्ट, और ये भी एक मेजर न्यूज है जिसपे हम ट्रेड करेंगे। 11th ऑफ ऑगस्ट 11:30 AM सुबह के 11:30 बजे जीबीपी की जीडीपी की न्यूज है, और बहुत अच्छा इंपैक्ट इसका देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जीबीपी पेयर्स पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सारी डिटेल्स आपको बाकी न्यूज इवेंट के दिन ही आपको मिल जाएंगी। सेम डे 11th ऑफ ऑगस्ट को एक और न्यूज है, पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 6 PM, और इसका भी आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। यूजुअली यूएसडी की न्यूज है, यूएसडी पेयर्स पर आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा 6 बजे 11th ऑफ ऑगस्ट, यूरो यूएसडी विल बी प्रेफरेबल एसेट। नेक्स्ट न्यूज 15th ऑफ ऑगस्ट इंडिपेंडेंस डे के दिन यहां पर न्यूज है, 6 PM पर कैनेडियन सीपीआई कैनेडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की न्यूज आपको देखने को मिलेगी, और इसका भी बहुत अच्छा इंपैक्ट आपको दिखता है। कैड पेयर्स पर आप इस पर ट्रेड ले सकते हो, यूएसडी कैड विल बी प्रेफरेबल एसेट, और सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी ग्रुप 6 बजे 15 अगस्त। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट 16th ऑफ ऑगस्ट 11:30 AM सुबह 11:30 बजे जीबीपी की सीपीआई और पीपीआई दोनों साथ में न्यूज है। अच्छा इंपैक्ट इसका दिख सकता है और इस पर भी हम ट्रेड करेंगे। सारी डिटेल्स आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी सेम डे ही। और ये थी हमारी बहुत मेजर न्यूजेस जिन पे हम डेफिनेटली ट्रेड करने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यूज में अपडेट होता है या किसी नई न्यूज की टाइमिंग्स आती हैं, फिर ऐसा कुछ हमें लगता है कि ये न्यूज भी शेयर करनी चाहिए, तो वो भी आपके पास शेयर की जाएगी सिग्नल ग्रुप्स के ऊपर। और सारी जो अपडेट्स हैं आपको मेन टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है, वहां पर आपको सारी अपडेट्स पहले ही दी जाती हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। हर बार आपको एक मैसेज आता है, आपको करेंसी पेयर दिया जाता है, आपको अल्टरनेट करेंसीज दी जाती हैं, आपको एक मैसेज दिया जाता है जिसके अंदर आपको बताया जाता है इतना टाइम आपको सेलेक्ट करना है और इस टाइम पर आपको इतने सेकंड पहले ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, हर एक इंसान को उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक अपडेट किया गया, आपको जैसे नॉर्मली सिग्नल मिलता है वैसे आपको यहाँ पर कॉल और पुट की डायरेक्शन के साथ अब मैं यहाँ पर अब इस बार बताने वाला हूँ, और आपको एसेट वगैरह उसी तरीके से मिलेंगे जैसे मैं सेशंस में देता हूँ, तो आपको इजी रहेगा ट्रेड लेने में और आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पर सबसे मेन बात जो आती है न्यूज इवेंट के ऊपर, आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक अपना प्लान बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ और आपको किस तरीके से करनी है। तो स्पेसिफिकली जो न्यूज इवेंट्स की ट्रेड है उसमें आपको बहुत ही सोच समझकर अमाउंट लगानी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक न्यूज इवेंट में ही सारी अमाउंट इन्वेस्ट करनी, जो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, मेजर गलती रहती है ये। अमाउंट अगर आपके $100 है, एक ही इवेंट के अंदर लोग 60 या $70 इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। आपको 10-15% तक की मैक्सिमम अमाउंट यूज करनी होती है इस तरीके से। बाकी आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है, बट एक जो बेसिक है वो आपको यही इतना ही इन्वेस्ट करना होता है। बाकी न्यूजेस भी रहती हैं, आपको नॉर्मली भी आप ट्रेड करते हो तो कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। आपको एक ही न्यूज इवेंट में या फिर अगर बात करते हो सिंगल ट्रेड में ही कभी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी होती। अब बात करते हैं रिवर्सल की, कि आपको रिवर्सल का भी इस तरीके से सिग्नल मिलेगा। तो इसका मैंने पहले बहुत बार बात की हुई है, मैं एक बार फिर आपको शॉर्ट बता देता हूं। जो न्यूज इवेंट है उसका हम एक एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे मैं अपना प्लान बताता हूं, बट यहां पर रिवर्सल के ऊपर उतनी श्योरिटी भी नहीं होती, और अब यहां पर इसका कोई एनालिसिस भी उतना अच्छे से नहीं किया जा सकता। जितना अमाउंट आप न्यूज इवेंट की ट्रेड पर लगा रहे हो, मतलब इंपैक्ट पे लगा रहे हो, उससे ऑलमोस्ट डबल अमाउंट आपको लगाना होता है रिवर्सल पे। तो यहां पर आपकी रिस्क हो जाती है डबल, और उसका इतना अच्छे से एनालिसिस भी नहीं किया जा सकता। कभी कभी जो मेरा रिवर्सल प्रॉफिट में आता है आपको उतना अच्छा रिवर्सल नहीं मिलता, कभी आपको रिवर्सल मिल जाता है फिर बहुत सारे यूजर्स को मिल जाता है, मेरे को रिवर्सल नहीं मिलता। तो ये सिनेरियोस देखने को मिलते हैं क्योंकि रिवर्सल में उतनी अनसर्टेनिटी रहती है, और वहां पर आपको रिवर्सल की डिटेल्स दी जाएंगी कि कैसे आप रिवर्सल पर ट्रेड ले सकते हो, बट आपको रिवर्सल की सिग्नल नहीं दिया जाएगा, बिकॉज यहां पर मैं रिस्क नहीं ले सकता इतने सारे यूजर्स की जिसका मैं एनालिसिस ही नहीं कर सकता। और इसी रीजन की वजह से मैं आपको तुक्के के ऊपर ट्रेड नहीं दे सकता, या फिर अगर मैं एक रिवर्सल में अगर फेल भी होता है तो मैं उस चीज को नेक्स्ट डे कवर कर सकता हूं, या फिर मैं उतना इन्वेस्टमेंट लगा सकता हूं, बट हर कोई इंसान वो चीज नहीं कर पाएगा। तो इतनी जो ये रिस्क है ये मैं नहीं ले सकता। अगर आपको रिवर्सल के ऊपर ट्रेड करनी है तो आपको वहां पर प्लान बताया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है रिवर्सल की जिसके अंदर मैंने आपको सारी टेक्निक्स बताई है, तो आप जाकर वो चेक कर सकते हो। अगर आप वो अच्छे से फॉलो करोगे तो 6-7 out of 10 times आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आप वो जाकर पूरी वीडियो चेक कीजिए, जो भी न्यूज इवेंट्स के ऊपर ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी न्यूज इवेंट्स की, जहां पर आप उसको एनालिसिस कर सकते हो अगर खुद से आप चाहो, आपको देखने न्यूज इवेंट्स आपको कैसे मिलते हैं और कैसे आप उनको थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हो, सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो के अंदर भी दी है। चलिए ये थी हमारी न्यूज इवेंट की वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए थोड़ी वैल्यूएबल होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर थोड़ा बहुत भी लगता है मैं आप लोगों के लिए एफर्ट डाल रहा हूं तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और सिंगल ग्रुप ज्वाइन करो अभी तक जिन लोगों ने नहीं किया है,
बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं आप लोगों को मिल रहे हैं, कोई कॉस्ट यहाँ पर नहीं, आप लोगों से एक भी चार्जेस नहीं ले जाते हैं। ज्वाइन करो, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, मुझे मैसेज करो, आपको बताऊंगा प्रोसेस क्या है और विद इन 4 to 5 मिनट्स आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।